टीम इंडिया के नए हेड कोच के नाम पर लगभग मोहर लगती हुई दिख रही है। गौतम गंभीर जल्द ही नए हेड कोच के पदभार को संभाल सकते हैं, पर हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर की 5 बड़ी शर्तें हैं। गौतम की पहली शर्त ये बताई जा रही है कि हेड कोच बनने के बाद टीम इंडिया का पूरा कंट्रोल गौतम गंभीर को चाहिए होगा। इसके अलावा कप्तान और सिलेक्टर्स के हिसाब से वो नहीं चलेंगे, ये उनकी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है T20 में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलेगा, सीनियर खिलाड़ी अब T20 खेलते हुए नहीं दिखेंगे। चौथी बड़ी शर्त उनकी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीनियर खिलाड़ियों का आखिरी मौका होगा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी सीनियर्स प्लेयर्स जीतते हैं तो ही उनको आगे मौका मिलेगा। पांचवी बड़ी शर्त ये है कि टेस्ट की टीम पूरी तरह से अलग होगी, सारे प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते हैं। साथ ही 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भी रोड मैप तैयार होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने सारी शर्तें मान ली है। BCCI को बस रिजल्ट से मतलब है। इंडियन हेड कोच पद के लिए आवेदन करने वाले एकमात्र उम्मीदवार गौतम गंभीर ही है। 18 जून 2024 को जूम कॉल पर क्रिकेट सलाहकार समिति यानी CAS के सामने इंटरव्यू के लिए गौतम गंभीर मौजूद रहेंगे। गंभीर का चुना जाना लगभग तय है, इंटरव्यू सिर्फ औपचारिकता है। नए कोच का कार्यकाल जुलाई 2024 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। आप लोगों की इस पे क्या राय है जरूर बताएं। जय हिंद।